गाइस, फेसबुक एड की लेक्चर सीरीज में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम एक और मेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है ट्रैफिक। देखिए, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव की मदद से हम अपने लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक ले जा सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ले जा सकते हैं, हम मैसेंजर पर ट्रैफिक ले जा सकते हैं, और तो और हम व्हाट्सअप का भी फीचर्स आने वाला है, इसमें हम व्हाट्सअप पर भी डायरेक्टली ट्रैफिक ले जा सकते हैं। सो अगर आपने दो और मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर चुका हूँ जिनका नेम है ब्रांड अवेयरनेस और रीच, अगर आपने उनको नहीं देखा हो तो आप वीडियो लेक्चर सीरीज में, फेसबुक एड वीडियो लेक्चर सीरीज में उनको जाके देख सकते हैं। आई एम तीसरा ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं जिसका नेम है ट्रैफिक। तो सबसे पहले चलिए बिजनेस मैनेजर हम ओपन कर लेते हैं। सभी लोगों को बिजनेस मैनेजर से ही फेसबुक एड क्रिएट करनी है क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, फेसबुक एड प्रोफेशनल। सो आपको बिजनेस मैनेजर से ही एड क्रिएट करनी है। सो मैंने ओपन कर लिया है business.facebook.com, ये ओपन हो रहा है, एक मिनट वेट करेंगे। सो ये मैंने बिजनेस मैनेजर ओपन कर लिया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है एंड देन आपको जाना है एड्स मैनेजर में, एंड देन लोडिंग हो रहा है एड्स मैनेजर। सो हम एक सेकेंड वेट करेंगे। अब आपको जाना है क्रिएट एड में। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये मैंने ब्रांड अवेयरनेस में भी बताए थे, ये मैंने रीच में भी बताए थे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव आज का क्या होने वाला है, आज का ऑब्जेक्टिव होने वाला है हमारा ट्रैफिक। सो हमें ट्रैफिक सिलेक्ट करना है। हम लोगों ने ब्रांड अवेयरनेस की बात कर ली है, रीच की बात कर ली है, आज हम एक और मेन ऑब्जेक्टिव जो कंसिडरेशन के सेक्शन में आता है उसको डिस्कस कर रहे हैं जिसका नेम है ट्रैफिक। सो हमने ट्रैफिक सिलेक्ट कर लिया है, अब हमें करना है कंटिन्यू। सो हमने कंटिन्यू कर दिया है, अब हम इसका थोड़ा वेट करेंगे, एक मिनट एक सेकेंड। सो ये देखिए अभी इंटरफेस ओपन हो गया। ये तीन टाइप्स में डिवाइड है, न्यू कैंपेन, एड सेट और एड। सो सबसे पहले कैंपेन का नेम दे देना है क्योंकि ये नेम देना जरूरी है, क्योंकि हम एक दो महीने बाद जब दूसरी कैंपेन, जब बहुत सारी कैंपेन रन कर लेते हैं एक दो महीने बाद, देखते हैं तो हम भूल जाते हैं मैंने ये किस लिए कैंपेन बनाई थी, इसलिए मैं इसका नेम देना सब जरूरी समझता हूँ। आप लोगों को भी इसका नेम जरूर देना है। सो मैंने कैंपेन का नेम दे दिया टेक्स्ट एड, और अभी बिडिंग टाइप में हम ऑक्शन रखेंगे और कैंपेन ऑब्जेक्टिव में ट्रैफिक रखेंगे। जो मैं बता रहा हूँ आप उनको रखेंगे, रियली आपका कन्वर्जन बढ़ जाएगा, आपकी बिजनेस में ट्रैफिक आने लगेगा, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेगा। सो जो मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ आपको उनको कर लेनी है और नेक्स्ट करना है, ठीक है। मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया है। अभी नेक्स्ट करने के बाद न्यू एड सेट का नाम फिर से दे देना है, भैया आप टेक्स्ट एड दे सकते हैं। सो मैंने दे दिया टेक्स्ट एड बन, इस टाइप से आप न्यू एड सेट का नाम दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये मैं टेक्स्ट एड इसलिए दे रहा हूँ लाइक मैं आपको पढ़ाने के पर्पज से इसको बना रहा हूँ। अगर आप देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप लाइक किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, अपने अपनी वेबसाइट का नेम दे दें। मैं बता दूं ये नेम सिर्फ आपको शो होंगे, ये किसी जिसको ऐड देखेगी उसको नेम शो नहीं होंगे, ये आपके पर्पज से नेम होते हैं, ये आपको शो होंगे नेम, सो डोंट टेक टेंशन, और अपने अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे नाम दे सकते हैं। फिर हम ट्रैफिक में देखेंगे, देखिए हमें वेबसाइट पर ट्रैफिक ले जाना है, एप्स पर ट्रैफिक ले जाना है, मैसेंजर पर ट्रैफिक ले जाना है। ये तीन फीचर्स अवेलेबल हैं जो व्हाट्सअप है कुछ दिनों में इंडिया में ओपन हो जाएगा। सो अभी मैं हम वेबसाइट पर ट्रैफिक ले रहे हैं, हम वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं ऐप्स पर, सो हम ऐप सेलेक्ट कर लेंगे। हम अभी चाहते हैं वेबसाइट पर, सो हम अभी करते हैं वेबसाइट सेलेक्ट, एंड देन देखिए डायनेमिक क्रिएटिव, इनको भी ऑफ रहने देना है आपको, ऑफर्स को भी ऑफ। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं बजट। देखिए बजट में हम डेली बजट रख सकते हैं, और एक और बजट में ऑप्शन होता है लाइफ टाइम बजट। सो हम यहाँ पे डेली बजट सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये 800 रुपए है, अब हम इसको कर देते हैं 200 रुपए पर डे। अब 200 300 जितनी आपके पास बजट हो आप उस अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जितना बजट हाई होगा उतने रिजल्ट आपको अच्छे आने वाले हैं। अभी देखिए मैंने 200 रुपए यहाँ पे लगाया, सो आप रिजल्ट देख सकते हैं 4.9214K रीच देखिए इसकी। अगर आप 200 रुपए लगाते हैं ट्रैफिक एड में तो 14,000 लोगों तक मैक्सिमम ये पहुंचेगा, एस्टिमेटेड रिजल्ट है। फेसबुक के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेटेड रिजल्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। अगर आप अच्छी टारगेटिंग करते हैं तो इससे ज्यादा भी पहुंच सकता है, इससे कम भी पहुंच सकता है, जैसे ही आप टारगेटिंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है ये। सो अभी ये 200 रुपए में एस्टिमेटेड रिजल्ट क्या बता रहा है, देखिए 4.9K to 14K ये रिजल्ट बता रहा है। अभी आप इसको अगर लाइक मैं इसको 200 या 400 करता हूँ, तो मैंने 400 कर दिया है। अभी देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये बढ़ गया है, रीच इसकी ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर लिंक क्लिक देखिए, देखिए 400 रुपए में इतनी लिंक क्लिक होंगी। लिंक क्लिक मीन्स है जो आप वेबसाइट की URL देने वाले हैं, सो इतने लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट करने वाले हैं 400 रुपए में। सो आपका इतने लोग अगर आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे और आपकी वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट होगा, सो आपका कन्वर्जन बढ़ जाएगा और आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो लाइक मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया 200, और अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, देखिए रीच भी थोड़ी कम हो गई है और देखिए लिंक क्लिक्स भी कम हो गए हैं। सो आप जितना बजट हाई रखने वाले हैं उतनी आपको लिंक क्लिक मिलने वाली है और उतना ही आपकी वेबसाइट ट्रैफिक जाने वाला है, ठीक है।
सो हम चलते हैं स्टार्ट डेट, हम स्टार्ट डेट आज ही की सिलेक्ट कर लेते हैं। इस टाइप से आप स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और एंड डेट, जब आपको स्टार्ट करनी है अपनी एड तब की आप स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं एंड डेट सिलेक्ट करना सो आप एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं ऑडियंस में। सबसे पहले हम ऑडियंस में सबसे लोकेशन की बात करते हैं। अगर आप इंडिया लेवल पर टारगेट करना चाहते हैं सो आप इंडिया रख सकते हैं। फिर आप एज रख सकते हैं, जितनी एज आपको चाहिए, लाइक 18 टू आपको 65 चाहिए, 58 चाहिए, जितनी एज चाहिए, लाइक 50 चाहिए, मुझे चाहिए लाइक 35 तक, तो मैं 35 रख लेता हूँ। आपकी बिजनेस जितनी एज से रिलेटेड हो, जैसे आपका बिजनेस कोई लाइक 35 एज तक के लोगों के लिए है सो आप 35 एज तक के ही लोगों को टारगेट करेंगे, उससे ज्यादा की टारगेट नहीं करेंगे, फिर आपका कन्वर्जन नहीं आएगा। सो आपको कन्वर्जन के लिए एज भी देखना जरूरी है, कितने एज तक के लोग आपके प्रोडक्ट लेते हैं। सो हमने लिख दिया है 18 to 35 एज के लोग हमारे प्रोडक्ट्स लेते हैं, सो हम उनको ही टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम जेंडर ले लेते हैं। जेंडर में मेल फीमेल देख ले सकते हैं, देखिए एडिट पर जाएंगे, मेल भी ले सकते हैं, मैन और फीमेल, और फिर हम इसको ऑल कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने भी ऑल कर दिया है। फिर हम आते हैं डिटेल टारगेटिंग पर। अब डिटेल टारगेटिंग में हमें क्या करना है, इंटरेस्ट बेस पे, बिहेवियर बेस पे, डेमोग्राफिक्स बेस पे। सो अभी मैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड क्रिएट कर रहा हूँ, तो हमें डिजिटल मार्केटिंग सर्च करना है। लाइक आप जिसके लिए, आप शूज के भी एड क्रिएट कर रहे हैं, लाइक आप शूज बेचते हैं तो आप शूज के लिए एड क्रिएट कर रहे हैं, सो आपको शूज टाइप करना है। आपकी बुक्स की स्टोर है, आप बुक्स बेचते हैं, कोई अच्छी अच्छी बुक्स बेचते हैं, आपको बुक्स करना है। आप जिम से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको जिम टाइप करना है, जिम रिलेटेड बॉडी बिल्डिंग के लिए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, फैट कटर होते हैं, सो आपको उनको टाइप करना है। उस टाइप से आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मैं लोगों को अपनी सर्विस देता हूँ फ्री में देता हूँ, एजुकेशन देता हूँ फ्री में, इसलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ सर्च कर लिया। अब हमें एक बार सर्च करने के बाद जाना है सजेशंस में। इसमें फेसबुक क्या करता है, ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है। सो मैंने एक बार फिर से गया सजेशंस में, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग चूज कर लिया है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग चूज कर लिया, फिर हम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद सोशल मीडिया चूज कर लिया, इंस्टाग्राम चूज कर लिया। इस टाइप से आप सजेशंस में चूज कर सकते हैं। सो इस टाइप से हमने सजेशंस ये चूज कर लिए हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम और भी सजेशन से और भी चूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से यूट्यूब हम चूज कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, और इस टाइप से हम और भी चूज कर सकते हैं। सो आप लोगों को भी क्या करना है, जैसे आप लोगों का प्रोडक्ट है जिम से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे जिम के लिए आप सर्च कर सकते हैं बॉडी बिल्डिंग, आप सर्च कर सकते हैं फैट कटर, आप सर्च करते हैं प्रोटीन्स। सो इस टाइप से आप जिम से रिलेटेड जिस टाइप का आपका प्रोडक्ट है उस टाइप की आपको सर्विसेज के लिए यहाँ पे सर्च करना है, दैट्स इट। जैसे आपका प्रोडक्ट है बुक्स से रिलेटेड तो आप यहाँ बुक्स टाइप करेंगे, आपका प्रोडक्ट है लाइक शूज वगैरह से रिलेटेड आप शूज वगैरह टाइप कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट है टी शर्ट डिजाइनिंग सो आप टी शर्ट से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देखिए जिन लोगों को जिसमें इंटरेस्ट होगा आप लोगों को उन्हीं को टारगेट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको इंटरेस्ट जिस फील्ड में होगा आपको उन्हीं को टारगेट करना है, ठीक है। मैंने इनको यहाँ पे सर्च कर दिया है। अब हम चलते हैं, नैरो ऑडियंस का एक ऑप्शन होता है, इसमें क्या होता है आपकी ऑडियंस नैरो हो जाती है, बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस को आपकी एड दिखती है। सो हम ये इसकी बात बाद में करने वाले हैं, कैसे नैरो ऑडियंस बनाई जाती है, और फिर सभी लोगों को सेव कर लेना है, क्योंकि बार बार ऑडियंस हम चेंज नहीं करेंगे। लाइक हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है तो बार बार सेम ही ऑडियंस रहेगी, सो हम इसको सेव कर लेंगे। और फिर देखिए जब आप सेव कर लेंगे तो आप यूज सेव ऑडियंस से ऑडियंस को यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने कितनी सारी ऑडियंस सेव की हुई है, मैं किसी एक को ले लेता हूँ अभी, और हम सिटी वाइज भी, पर्टिकुलर सिटी वाइज भी यहाँ पे ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया बेंगलोर कर्नाटक को लिया हुआ है, आप लोग भी किसी भी सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं। लाइक आप लोकल सिटी को टारगेट करना चाहें तो अपनी लोकल सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं प्लेसमेंट्स पे, इसकी बात मैं बार बार दो बार कर चुका हूँ। प्लेसमेंट में ऑटोमेटिक होता है ये, फेसबुक बाय डिफॉल्ट होता है फेसबुक का, इसमें फेसबुक आपकी एड सभी दिखाता है, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर। और जब हम जाते हैं मैनुअल पर, सो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं हमें अपनी एड्स कहाँ कहाँ देखनी है, लाइक फेसबुक पर देखनी है, ऑडियंस नेटवर्क पर देखनी है, सो यहाँ पे हम चेक एंड चेक कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं देखनी, मैंने इंस्टाग्राम को अनचेक कर दिया, इस टाइप से हम कर सकते हैं। फेसबुक पर नहीं देखनी है सो मैंने फेसबुक को अनचेक कर दिया, इस टाइप से हम अपनी ऑडियंस यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट में चेक अनचेक कर सकते हैं। सो भी जो बाय डिफॉल्ट है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स, एंड हम नीचे चलते हैं। फिर आता है देखिए, देखिए फिर इसमें जो ट्रैफिक ऐड होती है इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन रहता है ऑप्टिमाइज फॉर एड डिलीवरी। इसमें हम क्या चाहते हैं, लिंक क्लिक आए, हम क्या चाहते हैं लैंडिंग पेज जो हमने बनाया उस पर व्यूज के हिसाब से ये काउंट करें, हम क्या चाहते हैं डेली यूनिक रीच के हिसाब से काउंट करें, हम क्या चाहते हैं इंप्रेशन। सो हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लिंक क्लिक ज्यादातर प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये बेस्ट रहता है, जितने लिंक क्लिक होंगे उस हिसाब से पैसा कटेगा, सो लिंक क्लिक बेस्ट रहता है।
फिर हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि 5 रुपए एक लिंक क्लिक की कटे, तो हमें 5 दे देना है, 5 से ज्यादा नहीं कटेंगे। बट ये आप कोशिश करें इसको ना दें, क्योंकि फेसबुक की बाय डिफॉल्ट ही जितना कम से कम हो सके उतनी कम से कम कॉस्ट कटता है। इसीलिए आपको इसको, अगर आप चाहें तो नहीं दे सकते, अगर आप कुछ चाहते हैं कि मुझे देना है 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए कि एक लिंक क्लिक की मेरे इतने कट सकते हैं कट जाए, सो ऑप्शनल है, सो आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नहीं देता हूँ, सो अभी इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। अब मैंने नेक्स्ट कर दिया, सबसे लास्ट लेवल पर आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। इस लेवल पे सबसे पहले हम ऐड का नेम देते हैं, सो हम एक ऐड का नेम दे देते हैं यहाँ पर। लाइक मैंने न्यू ऐड के लिए फिर से वही ऐड का नेम दे देते हैं, ये सब हमारे पर्पज से होते हैं, मैं याद रहने की बात। मैंने टेस्ट ऐड दे दिया है, फिर से नेम टेस्ट ऐड 2 दे दिया है मैंने नेम। फिर यहाँ पे फेसबुक पेज हमारा कनेक्टेड है, फिर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना है। सो इसके लिए देखिए हमें सर्च करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग आइडियाज, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सो अपना इंस्टाग्राम आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट होगा उसको आपको कनेक्ट कर लेना है। फिर हम आते हैं क्रिएट एड में, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें देखिए एक ऑप्शन और मिल जाता है आपको ट्राफिक एड में, देखिए सिंगल इमेज वीडियोस तो सभी में रहता है, क्रोजल भी सभी में रहता है, कलेक्शन मिल जाता है। देखिए कलेक्शन में देखिए हम जब क्लिक करते हैं तो फुल स्क्रीन में हमारी इमेजेस शो होने लगती है। सो हम बताएंगे कैसे कलेक्शन एड क्रिएट करते हैं। अभी हम सिंगल इमेज और वीडियो ले रहे हैं, फिर क्रोजल की भी एक पर्टिकुलर वीडियो आने वाली है, और हम लाइव क्लास में ही बताया था, कल जो लाइव क्लास हुई थी उसमें मैंने क्रोजल एड क्रिएट करके बताई थी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग लाइव क्लास में आए, 5 PM पर अभी लाइव क्लास चल रही है फेसबुक ऐड की, और टाइम के अकॉर्डिंग टाइम चेंज होते रहते हैं। सो अगर इस बैच की बात, अब न्यू बैच जब स्टार्ट होगा उसमें 9 PM पर फेसबुक ऐड स्टार्ट होने वाली है, जो बिगिनर्स हैं वो लोग 9 PM पर अटेंड कर सकते हैं। 4 या 5 डेज बाद 9 PM पर फेसबुक ऐड स्टार्ट होने वाली है। सो हम डेली लाइव आते हैं जिससे स्टूडेंट्स हमसे डाउट पूछ सके। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं ऐड मीडिया पर, हमें कोई इमेजेस वगैरह ऐड कर लेनी है एक। सो हम यहाँ से एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। सो देखिए अभी लोड हो रहा है, सो अभी जैसे ही लोड हो जाता है मैं एक इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर लिया, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और इसको मैंने कर दिया है कंटिन्यू। सो आप देख सकते हैं, प्रीव्यू ऑन कर सकते हैं आप यहाँ पे, और देखिए फिर आप 16 प्लेसमेंट 16 अलग अलग जगहों पर अपनी एड्स होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखिए इस टाइप से हमारी एड दिखने वाली है। फिर देखिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, देखिए 16 प्लेसमेंट्स हैं, स्टोरीज भी कवर हुई हैं, इंस्टाग्राम फीड्स भी कवर हुई हैं, इनस्ट्रीम एड्स भी कवर हुई है, सब कुछ कवर कर लिया है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में। सो हम ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रख सकते हैं। फिर देखिए हमें इनमें लिखना होता है, कुछ प्राइमरी टेस्ट लिखने होते हैं, कुछ कॉल टू एक्शन बटन्स देने होते हैं। सो हम देखते हैं कहाँ पर हमें प्राइमरी टेस्ट लिखनी है, कहाँ कॉल टू एक्शन बटन देने हैं। सो चलते हैं नीचे, और यहाँ पे देखिए प्राइमरी टेस्ट कहाँ से होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्राइमरी टेस्ट होता कहाँ पर है। सो देखिए मैं इसमें लिखता हूँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग। मैं आपको बता दूं, प्राइमरी टेस्ट आपको इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि जो भी यूजर आपकी ऐड देखे उस वो डायरेक्टली आपकी ऐड पर क्लिक करे और आपकी लैंडिंग पेज पर जाए, आपकी वेबसाइट पर जाए। सो देखिए आपको इसको अट्रैक्टिव बनाना है, आपको इसको इसमें कॉल टू एक्शन बटन देने हैं, सब कुछ इसमें करना है जिससे ज्यादा यूजर्स आपकी लिंक पर क्लिक करें और आपकी जो भी सर्विस है वो उसको बाय करें। ठीक है, तो मैंने देखो प्राइमरी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से लिखना है, कैपिटलाइजेशन का यूज करना है। सो ये प्राइमरी टेस्ट यहाँ पर शो हो रहा है, इस टाइप से आप कुछ अच्छा सा कॉल टू एक्शन बटन का यूज करके यहाँ पे प्राइमरी टेस्ट दे सकते हैं। फिर आप चाहें और भी ऑप्शंस यहाँ पर हैं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पुराने ऑप्शंस भी, अगर आपने पहले ऐड बनाई होगी वो भी यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो आप जब ऐड ऑप्शन में जाएंगे सो आपको सब कुछ शो होने लगेगा, बट अभी आपको क्या करना है, ओनली यहाँ पे प्राइमरी टेस्ट दे देना है। फिर आपको क्या करना है, हेडिंग्स में जाना है, कुछ अच्छा सा देना है। अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए इतना छोटा बताया, आपको मिनिमम वर्ड्स रखने हैं, जितने मिनिमम लेंथ होती है इसकी, लाइक 50 कैरेक्टर 50 कैरेक्टर तक तो आप लोग को रखना ही है, इसको 3 लाइन तक आपको रखना ही है, अच्छा सा रखना है, कैपिटलाइजेशन का यूज करना है, प्रत्येक फर्स्ट वर्ड हर उसका स्पेलिंग्स का कैपिटल रख लेना है आपको। फिर कॉल टू एक्शन बटन रखने हैं, जैसे लाइक बाय वन गेट वन फ्री, और जो भी आपकी सर्विसेज से रिलेटेड हो ठीक है उसको लाइक 75% ऑफ, इस टाइप से आपको कुछ कॉल टू एक्शन बटन रखने हैं जिससे लोग देखें। फिर अगर आप चाहते हैं इमोजीज रखना, तो आप इमोजीज भी यहाँ पर रख सकते हैं, एक दो इमोजीज भी आप ऐड कर सकते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस है अट्रैक्टिव बनाना, इसीलिए हमें अट्रैक्टिव बनाना है, आप भी समझ सकते हैं अट्रैक्टिव का मीनिंग। फिर हम आते हैं हेडिंग्स पर, हेडलाइन क्या होती है एक्चुअली, फिर हमें हेडलाइन यहाँ पर शो होती है। सो इसमें लिखना है हमें लाइक 75% ऑफ, इस टाइप से लिखना है जिससे हेडलाइन को देख के डायरेक्टली लोग हमारा बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए, जो भी फिर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस होगी उस टाइप से आप हेडलाइन यहाँ पर लिख देंगे।
देखिए मैंने भी 75% ऑफ लिखा है, तो थोड़ा सा यहाँ तक और लिखना है आपको, कुछ अच्छा सा ऐड करके यहाँ पे अच्छा सा लिखना है, जिससे लोग जो भी यूजर्स आपकी ऐड देखें वो आपकी ऐड पर क्लिक करें। तो मैंने 75% ऑफ लिख दिया, कुछ अच्छा और लिखना है वो तो मैंने आपको बताने के पर्पज से यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है, जिससे कभी कभी क्या होता है यूजर्स पहले एड्स का एक्सपीरियंस करते हैं, कैसी ऐड है क्या बताया हुआ है, सो डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ देना है। अभी मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ क्योंकि मैं समझाने के पर्पज से यूज कर रहा हूँ, फिर आपका बिजनेस से रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से हो रहा है। फिर ये displayurl.com, सो आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट की यूआरएल दे देनी है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट की आप यूआरएल दे देंगे, जो भी आपकी वेबसाइट की यूआरएल होगी, मैं अपनी वेबसाइट की एक स्टूडेंट को मैंने सिखाने की पर्पज से बनाई थी उसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ। सो मैं यहाँ पे वेबसाइट की यूआरएल दे देता हूँ, अभी मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, वेबसाइट की यूआरएल। सो मैंने ये वेबसाइट की यूआरएल दे दी है, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे वेबसाइट की यूआरएल हम दे चुके हैं इस टाइप से। फिर हम लोग प्रीव्यू यूआरएल करके भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो वेबसाइट की यूआरएल दी है वो सही है या नहीं। देख सकते हैं आप यहाँ पे वेबसाइट की यूआरएल शो हो रही है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये यूआरएल शो ना हो, इसकी जगह कोई और यूआरएल शो हो, सो आप यहाँ पे डिस्प्ले लिंक में जो ऑप्शन आ रहा है उसको आप दे सकते हैं। जैसे ही मैं www.abc.com कर देता हूँ तो देख सकते हैं, बट ये देखिए जब भी यूजर्स क्लिक करेगा तो उसमें होगा क्या होगा, ये कि देखिए यूजर्स इस पे रिडायरेक्ट होगा, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए। लाइक मैंने abc.com दे दी, अभी आप देख सकते हैं कंप्यूटर पर www.abc.com आ रहा है। सो ये क्या है, ये डिस्प्ले लिंक है, ये ओनली डिस्प्ले हो रही है, बट यूजर जब भी इस पर लर्न मोड पर क्लिक करेगा इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होगा, इस लैंडिंग पेज, अगर आपने लैंडिंग पेज की दिया तो इस लैंडिंग पेज पर रीडायरेक्ट होगा। फिर आगे चलते हैं, देखिए कॉल टू एक्शन बटन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं कॉल टू एक्शन बटन, एक अच्छा सा कॉल टू एक्शन बटन देना है। सो हमने लर्न मोड की जगह हम अप्लाई ना, और इस से जिससे रिलेटेड आपका बिजनेस हो उससे रिलेटेड हम दे सकते हैं। अभी व्हाट्सअप नाउ का ये ऑफ है, कुछ दिन बाद ये ऑन हो जाएगा। हम अप्लाई नाउ कॉन्टेक्ट अस ये दे सकते हैं, अभी हमने लिख दिया है कॉन्टेक्ट अस। फिर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड आप दे सकते हैं। फिर हम पिक्सल्स की बात बहुत जल्दी करने वाले हैं, इवेंट्स की बात करने वाले हैं, और फिर आपको पब्लिश कर देनी है। अब आप पब्लिश कर देंगे सो आपकी एड सक्सेसफुल हो जाएगी, 1-2 घंटे में रिव्यू होकर आपकी एड चलने लगेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और एक बात डेली लाइव क्लास अटेंड करें, बहुत बेनिफिट होने वाला है। लाइव क्लास में आप डेली जो आपसे हमसे इंटरेक्शन होता है, हमसे आप डायरेक्टली डाउट्स पूछ सकते हैं। तो सभी लोग डेली लाइव क्लास अटेंड करें। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।